Hi guys, so like in the last class we had covered the key elements of weather, and now we are going to start with climate. Okay, now climate hota kya hai, to isko bare mein janne ki kahani hum shuru karte hain pehle meteorologist se, jo special scientists hote hain jo ki weather ka study karte hain, theek hai, wo kehlate hain meteorologists. Now meteorologists record the weather at various places every day. ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जो वेदर होता है उसका रिकॉर्ड हर एक दिन ये तैयार करते हैं. नाउ द रिकॉर्ड्स ऑफ वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डेकेड्स. ये पिछले कई दशकों से जो है, डेकेड मतलब 10 ईयर्स का पीरियड हो गया, तो पिछले कई दशकों से इस तरह के वेदर का रिकॉर्ड जो है वो बचा के रखा हुआ है, वो संयोग कह सकते हो कि सुरक्षित रखा हुआ है. नाउ दीज रिकॉर्ड्स हेल्प द मेट्रोलॉजिस्ट्स डिटरमिन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस. इस रिकॉर्ड के आधार पर मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो एक वेदर पैटर्न देखते हैं उस जगह का, कि हर एक साल जो अलग अलग वेदर कंडीशंस रहे हैं तो इनके बीच में कोई पैटर्न है कि नहीं है, है ना. कि मतलब जैसे हम लोग के यहाँ होता है ना कि भाई मार्च अप्रैल के टाइम में जो है पछुआ हवा चलेगी, गर्मी बढ़ेगी धीरे धीरे, फिर मई वगैरह में आके जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा पीक पर पहुँचेगी, और उसके बाद जो है फिर थोड़ी बहुत जो है कभी कभार बीच में बारिश वारिश हो जाएगी, आंधी तूफान वगैरह आएगा, फिर मानसून की मानसून का टाइम आएगा, फिर जो है बारिश शुरू हो जाएगी. मानसून के ख़त्म होने के बाद जो है फिर कुछ समय के लिए ब्रेक रहेगा, फिर हमारा जो है विंटर आएगा. तो ये क्या हो गया, ये पैटर्न हो गया, राइट, कि ये इस तरह से जो है वेदर कंडीशंस चेंज होने वाले हैं. तो यही चीज़ मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो भी क्या करते हैं कि पिछले कुछ दशकों का जो वेदर कंडीशंस का रिकॉर्ड रहा है उसके आधार पर वो जो है वेदर पैटर्न डिटरमिन करते हैं कि वेदर पैटर्न क्या है उस जगह का. नाउ द एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. ठीक है, किसी भी जगह का वेदर पैटर्न जो लंबे समय के लिए लंबे समय के ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है वह जो है वहाँ का क्लाइमेट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल कह सकते हो कि हिमालयन रीजन में टेम्परेचर जो है वो कम रहता है ज़्यादातर समय में, जबकि तो हम क्या कह सकते हैं दैट द क्लाइमेट ऑफ हिमालयन रीजन इज वेरी कोल्ड, राइट. या फिर थार डेजर्ट का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादातर समय आपको काफ़ी ऊंचा मिलेगा, काफ़ी हाई मिलेगा, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट इन थार डेजर्ट इज़ वेरी हॉट. फिर कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि मेघालय के, जहाँ पर कि एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो 260 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा है, राइट. यहाँ पर जो है लगभग पूरे हर एक दिन जो है बारिश होती है, तो हम ये कह सकते हैं दैट क्लाइमेट इन मेघालय इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, राइट. दूसरी तरफ जैसलमेर राजस्थान में जो है एनुअल रेनफॉल इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन ए ईयर, तो हम ये कह सकते हैं दैट जैसलमेर हैज़ अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. तो वेदर जो है वो जहाँ एक तरफ शॉर्ट टर्म जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है उसको बताता है, क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशंस को बताता है किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन का. वेदर किसी जगह का जो है वो अचानक से बदल सकता है, और ये छोटे छोटे एरिया पे भी एप्लीकेबल होता है. जैसे कि आपने देखा होगा ना, आपके गांव में बारिश हुई और आपके गांव के ठीक बाहर जो है बारिश नहीं हुई, तो मतलब क्या होगा, वेदर कंडीशन जो है वो छोटे छोटे एरियाज में भी चेंज हो सकता है. इसलिए हर एक एरिया का अपना अलग वेदर कंडीशन हो सकता है, राइट. एक स्मॉल एरिया के सिटी या स्मॉल ग्रुप ऑफ सिटीज़ का हो सकता है. जबकि क्लाइमेट चेंज जो होता है वो बहुत स्लोली होता है, बहुत लंबे समय के अंतराल में होता है, और ये जो है बहुत बड़े एरिया को अफेक्ट करता है. एक स्टेट या एक पूरे रीजन को ये अफेक्ट करेगा, ना कि सिर्फ एक शहर या कुछ गांव वगैरह को. ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमिनिंग क्लाइमेट. क्लाइमेट को डिटरमिन करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं. तो क्लाइमेट को डिटरमिन करने वाले फैक्टर्स में आपका है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, या लैटिट्यूड बोल दो उस जगह का. फिर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हो गया जमीन से हाइट कितनी है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से जो है दूरी कितनी है. और विंड्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को डिटरमिन करते हैं. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ये प्रभाव हम लोग ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं. रीजन क्या होता है कि जब सूरज से, जब मान लो कि ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट मेक इट वेरी वेरी गोल, ठीक है, और मान लो कि इधर हमारा जो है ये सन है. अब इसमें होगा क्या कि सन से जो लाइट आएगी बेसिकली, ओके, अर्थ को भी यहाँ से अपने यहाँ से बराबर ही बड़ा ही होना चाहिए. तो खैर यहाँ पर क्या होता है कि जो
इक्वेटर का जो एरिया होता है, इक्वेटर इज यू नो लाइक बीचों बीच वाला इमेजिनरी लाइन जो हॉरिजॉन्टली है, तो सनलाइट जो आती है तो इक्वेटर वाले एरिया में जो है सनलाइट बिल्कुल जो है डायरेक्ट हिट करती है, जबकि बाकी जगह पर क्या होता है चूंकि गोल मटोल है ना अर्थ, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा बाकी जगहों पर ये किरणें जो है थोड़ी तिरछी पड़ेगी। तो यही वजह है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच तक का जो एरिया हो गया तुम्हारा, बीच में इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ 23.5 साउथ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच का जो एरिया है यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा सनलाइट मिलता है तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहेगी। जब आप इधर से आगे चले जाओगे, ठीक है, इसके आगे जब आप चले जाओगे सब ट्रॉपिकल जोन में, तो सब ट्रॉपिकल जोन में टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, पोलर रीजन में चले जाओगे तो और कम हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि लैटिट्यूड जैसे जैसे बढ़ता गया, मतलब इक्वेटर से आपकी दूरी जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे जो है टेम्परेचर जो है वो घटता जाएगा, ठीक है। तो मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड के जितना आप पास आ रहे हैं गर्मी बढ़ती जाएगी, इससे आप जितना दूर जाते जाइएगा गर्मी जो है वो घटती जाएगी। तो इस तरह से जो है लैटिट्यूड जो है किसी जगह का वो उसके क्लाइमेट को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो कि इंडिया में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मोटा मोटी इंडिया के बीचों बीच से निकलता है, सदर्न इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल जोन में है, जबकि नॉर्दर्न इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल जोन से ऊपर वो सब ट्रॉपिकल जोन में है। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इक्वेटर के पास है, तो इसलिए इधर जो है गर्मी ज़्यादा होगी, इधर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सन की किरणें जो है वो सीधे आके टकराती हैं। अगला जो फैक्टर हमने देखा था दैट इज़ एल्टीट्यूड, मतलब कि समुद्र तल से ऊंचाई आपकी। तो अब जो भी जगह जो है वो अगर हाई एल्टीट्यूड पर अगर लोकेटेड है, जैसे कि शिमला, श्रीनगर या फिर ओधगा मंडलम या ऊटी, ये सब जो है ठंडी जगह है। दूसरी जगह लखनऊ, अलाहाबाद, ये सारी जगह जो है वो गर्म होंगे उनके कंपैरिजन में। माउंटेंस जो हैं वो इसके अलावा एक और काम करते हैं, जहाँ एक तरफ ये क्लाइमेट या टेम्परेचर वगैरह को प्रभावित करती हैं, दूसरी तरफ ये जो है हवा, विंड के फ्लो को और रेनफॉल को, इन दोनों को भी ये चेंज कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं, और इस तरह से ये जो है क्लाइमेट पर प्रभाव डालते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अब सी जो है इसका एक मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है कोस्टल एरियाज के टेम्परेचर पे। तो मतलब ये हो गया कि ऐसे एरिया जो कि समुद्र के पास है तो वहाँ पर जो है हर किसी भी सीजन में आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में फ़र्क नहीं दिखेगा। जैसे कि मुंबई, चेन्नई वगैरह की बात कर लो तो इनके टेम्परेचर में सर्दी गर्मी के आधार से जो है कोई बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं आता है टेम्परेचर में, ओके। दूसरी तरफ जब आप समुद्र तट से जब आप दूर बढ़ते जाते हो तो वेदर के हिसाब से जो है जैसे दिल्ली वगैरह का एरिया ले लो जो कि समुद्र वगैरह से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर गर्मी में भयानक गर्मी मिलेगी आपको और सर्दी में भयानक वाली सर्दी मिल जाएगी। तो यही असर होता है समुद्र तट से दूरी का। फिर विंड भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। विंड जो माउंटेन रीजन से सर्दी के दरमियान में बहती है तो वो जो है कोल्ड वेव्स लाती है, शीतलहर लेके आती है। गर्मी के दरमियान में जो गर्म और सूखी हवा जो चलती है पश्चिम से, तो वो जो है हॉट वेव्स लेके आती है, जिसे लू कहते हैं हम लोग, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से क्लाइमेट जो है वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि जो हवा चल रही है वो हवा गर्म है या ठंडी है, ड्राई है या फिर मॉइस्ट है। तो ये सारे भी कंसिडरेबल फैक्टर्स होते हैं। एक और फैक्टर जिसके बारे में हम लोगों ने मीडिया के थ्रू काफ़ी कुछ जाना भी होगा एक्चुअली, दैट इज़ एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट क्या है कि ये जो है बेसिकली जो पैसिफिक ओशन में जो वाटर सरफेस है उसके इरेगुलर वार्मिंग का जो सीन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एल नीनो इफेक्ट, ओके। ये जो वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर है ये जो है एनर्जी और मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में जो है पंप करता है, और इससे क्या होता है कि जो ग्लोबल विंड और रेनफॉल का पैटर्न है वो बदल जाता है, और इसकी वजह से जो है कुछ एरिया जो है पैसिफिक रिम के आसपास में उधर जो है सूखा या बाढ़, ये दोनों सिचुएशन आ सकते हैं। इंडिया में भी जो है मानसून रेन जो है वो एल नीनो इफेक्ट से प्रभावित हो जाता है, ठीक है। यही वजह ना कि हमारे यहाँ भी देखा होगा आपने कुछ साल जो है बढ़िया बारिश होती है और कुछ साल जो है बहुत कम बारिश होती है। अब आगे बात करें हम ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्योंकि ये भी जो है एक इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स में से आता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर लो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉसिल फ्यूल्स जो जलाए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज है
इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो है एसिड रेन होता है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अगला जो ह्यूमन एक्टिविटी का एक एरिया है, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। लार्ज स्केल पर जो पेड़ वगैरह काटे जाते हैं, जब आप बहुत बड़े स्केल पर जब आप पेड़ वगैरह काटते हैं तो इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से जो है फिर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा मौजूद हो जाती है। रीज़न ये है कि पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है रिफाइन करके ऑक्सीजन में बदलते हैं। अगर आपने ढेर सारा पेड़ काट दिया तो फिर उतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेसिंग तो नहीं हुआ ना, तो वो तो आपके एटमॉस्फेयर में अटका रह गया। अब ये जो बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो जो है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ाती है और इससे क्या होता है तो क्लाइमेट प्रभावित होता है। तो वेल दैट वाज अबाउट क्लाइमेट। नाउ द नेक्स्ट लेसन वी विल टॉक अबाउट क्लाइमेट एंड अडैप्टेशंस। तो मिलते हैं अगले लेसन में। अंटिल देन जस्ट कवर अप टू दिस पार्ट। बाय बाय।